तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित सभी बड़े जन, अभिभावकगण, प्रबुद्धजन तथा साथियों को आर्यभट्ट परिवार का सविनय नमन। हम सभी इस गरिमामय सभा में उपस्थित हैं एक विशेष प्रयोजन के लिए। ये अवसर है आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी क्विज 2023-24 के पुरस्कार वितरण समारोह का, जिसके लिए विगत रात्रि में प्रतियोगियों ने अपने ज्ञान और कौशल का पुरजोर प्रदर्शन किया है। ये कार्यक्रम आर्यभट्ट फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो मूलभूत विज्ञान को लोगों तक रोचक रूप में प्रवाहित करने को प्रतिबद्ध है। संस्था के विषय में सुनियोजित जानकारी संस्था परिचय के रूप में कार्यक्रम पटल पर रखी जाएगी। आज के कार्यक्रम के लिए हमें प्रतिष्ठित वैज्ञानिक द्रव का साथ प्राप्त हुआ है। हमारे बीच उपस्थित हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक और आईसर भोपाल के निदेशक प्रोफेसर गोवर्धन दास। और हमारे साथ हैं रीजनल साइंस सेंटर के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर श्री साकेत सिंह कौरव। इन दोनों विज्ञान मनीषियों के सानिध्य से हम अभिभूत हैं। मैं आप सभी की अनुमति से संस्था के सचिव श्री हर्षित दुक्कल से आग्रह करता हूं कि वे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथिगण को मंच पर सादर आरोहित करें। हर्षित दुक्कल जी और संस्था के सचिव से आरोप मान्य करें दोनों आरोप। अतिथिगणों से सविनय अनुरोध है कि देवी सरस्वती की प्रतिमा का पुष्पार्पण करके तथा दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का आरंभ करें। Thank you.
भाग्यशाली हैं कि इस आयोजन को प्रोफेसर दास का सानिध्य मिला हुआ है। प्रोफेसर गोवर्धन दास इस प्रेजेंट की डायरेक्टर ऑफ आईसर भोपाल। प्रोफेसर दास कंप्लीटेड हिज पीएचडी ऑन होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ इन 1997। ही वाज एसोसिएटेड विद ऑर्गेनाइजेशन सच एज मॉलिक्यूलर इम्यूनोलॉजी फोरम एंड गुहारिया रिसर्च काउंसिल। प्रोफेसर दास ऑल्सो होल्ड्स एडिटोरियल पोजिशंस इन सेवरल पब्लिकेशंस एंड रिसर्च एसोसिएशंस। फर्दर प्रोफेसर दास ऑल्सो होल्ड ऑनररी पोजिशन as adjunct professor at Houston Methodist Research Institute, Houston, USA, and adjunct professor, Shaozhou University, Suzhou, China. मैं अपनी संस्था के सचिव श्री हर्षित दुग्गल से अनुरोध करता हूँ कि वे श्रीफल प्रदान कर हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर दास का अभिनंदन करें। सभी लोग अभी रीजनल साइंस सेंटर में उपस्थित हैं और भोपाल स्थित रीजनल साइंस सेंटर प्रायः हर बच्चे की धड़कन में बसता है। क्या बच्चे क्या बड़े सभी वहां जाकर लाभान्वित होते हैं। इस अतुल्य प्रतिष्ठान को नई उपलब्धियों और नए आयामों तक ले जाने का श्रेय जाता है श्री साकेत सिंह गौरव जी को। आपने न सिर्फ साइंस सेंटर का सफल संचालन किया बल्कि प्रदेश भर में विज्ञान विषयक गतिविधियों का एक नई जिंदगी का संचार भी किया है। मैं अनुरोध करूंगा संस्था के सह सचिव श्री आलोक मांडवगढ़ जी से कि वे श्रीफल प्रदान कर हमारे विशेष अतिथि श्री साकेत सिंह गौरव जी का अभिवादन। आर्यभट्ट की ये प्रतियोगिता अपनी गौरवमय यात्रा के 28 वर्ष पूर्ण कर रही है। कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में मैं आग्रह करता हूं संस्था का एक अभिन्न अंग बन चुकी श्रीमती अपर्णा पांधरकर जी का कि वे आए और संस्था एवं कार्यक्रम का एक परिचयात्मक आलेख प्रस्तुत करें। अपर्णा जी आर्यभट्ट फाउंडेशन की तरफ से सभी को सुप्रभात। आर्यभट्ट फाउंडेशन का जो परिचय है वो इस प्रकार है। आर्यभट्ट फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड संस्था के रूप में 2 दशकों से ज्यादा समय से सक्रिय है। इस अभियान की नींव 1995 में रखी गई थी। शुरुआती वर्षों में आर्यभट्ट ने एक अन्य संस्थान के साथ प्रोजेक्ट के रूप में कार्य किया, फिर इसे एक पंजीकृत संस्था का वर्तमान रूप प्राप्त हुआ। इन 2 दशकों की यात्रा में कई चुनौतियों का सामना करते हुए आर्यभट्ट ने पूरी निष्ठा और पवित्रता के साथ कार्य किया, जिसके फलस्वरूप आर्यभट्ट नाम लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाता चला गया। आप लोगों के प्यार दुलार ने आर्यभट्ट को पर्याप्त ऊंचाई तक पहुंचाया, जिसके लिए हम आपके ऋणी रहेंगे। अमूमन संस्थाएं बनती हैं, फिर कुछ समय बाद रास्ते से भटककर अनुदान प्राप्त करने के उपक्रम में परिवर्तित होकर रह जाती है। आर्यभट्ट ने इस दिशा में एक कठोर निर्णय के सहारे स्वयं को इन बुराइयों से बचा लिया। यह कठोर निर्णय था धन की व्यवस्था को लेकर। आर्यभट्ट ने तय किया कि अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को सदस्यों के अंशदान से ही पूरा किया जाए, बाहर से दान या अनुदान नहीं लिया जाए। साथ ही कोई भी गतिविधि खाली हाथ प्रारंभ की जाए और खाली हाथ खत्म भी हो सके, यह आसान नहीं था। एक समय वह भी देखा
जब बहुत छोटे बजट के कार्यक्रम भी मुश्किल लगते थे, लेकिन समय गवाह है कि हम ऐसा कर पाए और इस प्रकार लोगों के अपनेपन की अपार संपत्ति जुटा पाए। यकीन मानिए, संस्था के खाते में आज भी लाख रुपए नहीं जुट पाए हैं, लेकिन आर्यभट्ट को एक सम्मानजनक पहचान देने में हम कामयाब रहे। इस बीच आर्यभट्ट को कई हीरे तराश कर दिए जिन्होंने दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया है। उस मुफलिसी के जमाने को पीछे छोड़कर हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। आज आर्यभट्ट संसाधनों और संभावनाओं की दृष्टि से एक परिपूर्ण इकाई है। 20 से ज्यादा टेलीस्कोप, स्वयं के डिजाइन किए गए अन्य उपकरण और प्रेरणा से लबालब हमारी वॉलंटियर फ्रंटलाइन ने आर्यभट्ट को पहली सप में ला खड़ा किया है। अब हम तैयार हैं नई पीढ़ी को एक मजबूत प्लेटफॉर्म देने के लिए। आर्यभट्ट के पास अधिकतर टेलीस्कोप और उपकरण खुद के बनाए हुए हैं। इसके निर्माण के दौरान हम स्कूली बच्चों का साथ लेते हैं। इस प्रकार न सिर्फ ये बच्चे निर्माण की बारीकियां समझ पाते हैं, बल्कि इन उपकरणों से उनका जुड़ाव भी होता है। हम अपने प्रेजेंटेशंस, फिल्म शो, सोलर वर्कशॉप और नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन जैसे कार्यक्रमों से लोगों में वैज्ञानिक विचारधारा प्रवाहित करने में बड़ी हद तक सफल हुए हैं। आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी क्विज हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम के 28वें पन्ने की इबारत आपके सामने है। इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि इनाम के तौर पर किसी भारी भरकम चीज का कोई वादा नहीं, बल्कि एक मूल्यवान अवसर देश के वैज्ञानिक प्रगति से रूबरू होने का। पहली आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी क्विज का शिक्षा सत्र 1996-97 के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें 795 लोगों ने भाग लिया था। इस 28वीं साल में 117 स्कूलों के 8,323 बच्चों ने क्विज में भाग लेकर हमारे विश्वास को बल प्रदान किया है। बैडी, चंपारण, खांडी, रिचगांव, तिरोड़ी कुछ ऐसे संस्थान हैं जो नक्शे में हमारे सामने शायद ही कभी आए हों, लेकिन इन गांव के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे लिए यही एक बड़ी उपलब्धि है। गुजरी रात बच्चों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया और अब से थोड़ी ही देर में वे नाम सामने आ जाएंगे जिन्हें कोडेकेनाल, कावलूर, नैनीताल, उदयपुर, माउंट आबू डोंगला स्थित वेदशालाओं में जाकर वहां कार्यरत वैज्ञानिकों से नजदीकी रूप से ज्ञान हासिल करने का सुनहरा मौका मिलेगा। इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो किसी स्पेस मिशन को अपने हाथों से छू कर आएंगे। यहाँ यह बताना जरूरी है कि कल की परीक्षा का हर बच्चा एक विजेता है, क्योंकि उसने 150 प्रतिभागियों को हराकर यह मुकाम हासिल किया है। इस वृतांत को यही विराम देते हुए आर्यभट्ट परिवार की ओर से आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि हम विज्ञान संचार के सहारे तमसो मां ज्योतिर्गमय के उद्देश्य को लेकर सतत अग्रसर रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा जी। मैं बताना चाहूंगा कि अपर्णा जी इंडियन पेटेंट एंड स्टार्टअप फैसिलिटेटर हैं और इसके साथ ही आर्यभट्ट का एक अभिन्न अंग बन चुकी हैं कि जितनी गतिविधियां आर्यभट्ट के बच्चे रहते हैं उसमें अपर्णा जी का बहुत ही ज़बरदस्त योगदान रहता है। और क्योंकि अब आप लोग जान चुके हैं कि आर्यभट्ट किस तरह से गतिविधियों को ऑर्गेनाइज करता आ रहा है पिछले कुछ समय से, तो इसीलिए आर्यभट्ट का जो एक इंस्पिरेशनल सॉन्ग है वो प्रस्तुत करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा हम आज के म्यूजिक ग्रुप को। Thank you.
और इनको लीड कर रहे हैं सौविक मुखर्जी जिदानंद। कड़ी के रूप में मेरा सविनय निवेदन है आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री साकेत सिंह कौरव जी से कि वे हमें अपने गौरवपूर्ण आह्वान से सभी को आह्वानित करें। श्री साकेत सिंह कौरव नमस्कार। और आर्यभट्ट फाउंडेशन के इतने प्रेरणास्पद और मैं ये कहूँ कि ऊर्जावान कार्यक्रम जिसने कई बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच के निर्माण की आधारशिला रखी है, पूरे आर्यभट्ट फाउंडेशन के संस्थापक से लेके बाद में जुड़ते हुए एक बरगद के पेड़ की तरह जो उसको विशाल बनाया, उन सबको मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। और आज सहयोग है और ये बड़ी खुशी की बात है कि आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल जिस लक्ष्य के लिए पूरे प्रदेश में अपने कई विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, प्रदर्शनियों के माध्यम से और अन्य आयाम जो होते हैं विज्ञान संचार में उनके माध्यम से अग्रसर है, उसी सानिध्य में आज प्रथम बार हमारे कैंपस में हमारे आदरणीय ऑनरेबल कह सकते हैं हमारे डायरेक्टर आई सर गोपाल दास सर हमारे साथ हैं। तो एक बार दास सर के लिए भी बहुत जोरदार धन्यवाद, जिन्होंने अपने कार्य और अपनी कर्म से दुनिया को बहुत कुछ दिया है। और सर की जो मैं पीएचडी के बारे में सुन रहा था पोस्ट पैथोजन, तो कोविड दौरान में हमें इन सबों से बड़ा बहुत लगाव पैदा हो गया है बेहतर समझने के लिए। ज़्यादा समय ना लेते हुए क्योंकि ये बड़ा उम्दा कार्यक्रम है जिसमें बच्चे आतुरता के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे होंगे, मैं इतना बताना चाहूँगा कि आधुनिक विज्ञान केंद्र भोपाल हमारी राष्ट्रीय संस्था है, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिसर नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स कोलकाता का एक अभिन्न अंग है। और हमारी पूरी टीम, किसी एक व्यक्ति को श्रेय मिलना उचित नहीं होगा, ये टीम का काम होता है। तो हम जो भी प्रयास करते आए हैं या अब नए कलेवर में नई ऊर्जा शक्ति के साथ उमंग के साथ कर रहे हैं, तो हमारी एक छोटी सी टीम है, वो टीम और बाकी लोगों के साथ मिलकर हम इस प्रयास में लगे हुए हैं। इसी बात पर आप सबको जो जीत रहे हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं, जो नहीं जीत पाए हैं परंतु भाग लिया है उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ना, भाग लेना या उनकी तैयारी करना वो विनिंग मोमेंट से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम उस प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनते हैं। इसी बात पे कि दोबारा आर्यभट्ट फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए, क्योंकि ये हमारे संस्थान में हम प्रयास करते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें। वहाँ जब इसका विषय चुना जाता है और उसी सभागार में अगर मौका मिलता है हमें कुछ बोलने का और बच्चों के लिए कुछ करने का तो बहुत अच्छा लगता है। आप इस कार्यक्रम के बाद विज्ञान केंद्र का भ्रमण जरूर करें और देखें कि हम क्या प्रयास कर रहे हैं। और हम प्रयास करेंगे अगर ये लंबा समय तक चलता है तो दिन में हम हमारा टेलीस्कोप विद सोलर फिल्टर लगाएंगे ताकि आप सन स्पॉट्स आज जरूर देखते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद साकेत सिंह कौरव जी। अब मुझे लगता है कि बच्चे मुझे घूर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब रिजल्ट की बात कब करेंगे, तो मैं आपकी निगाहों से झांकती उत्सुकता और बेसब्री को देख रहा हूं, इसलिए बिना देरी किए मैं संस्था के सचिव श्री हर्षित तुकल से अनुरोध करता हूं कि वे जल्द से जल्द परिणाम घोषित करने के लिए अतिथि कर्म अनुमति प्राप्त करें। तो अभी तक मेरे हाथ में भी कोई रिजल्ट नहीं था और रिजल्ट का एक कागज जिसपे आपके लिखा हुआ है कि हाँ कौन कहाँ जा रहा है वो अब मेरे हाथ में आ गया है। तो मैं अभी जो
अपर्णा जी ने भी बात करी थोड़ी देर पहले कि आप सभी लोग विनर्स हैं, 150 बच्चों में नहीं 150 स्कूल से अलग अलग जगह से सिलेक्ट होकर आ रहे हैं ये सभी स्टूडेंट्स। तो इसमें जो स्टेट मेरिट होल्डर्स हैं मैं उनके नाम लेना शुरू करूंगा। ये अल्फाबेटिकल है, इसमें कोई वो नहीं है। तो इसमें स्टेट मेरिट होल्डर्स हैं अभिषेक कोल, जीएनपी सिरमौर से, मैं आपसे टीचरों से अनुरोध करूंगा कि वो अधिक जो भी स्टेट मेरिट होल्डर्स हैं इनको सर्टिफिकेट। जवाहर नवोदय विद्यालय सिरमौर से अभिषेक कौल। नेक्स्ट अजय पारिक, एलबीएस मंदसौर। अनिल पारिक एलबीएस मंदसौर से स्टेज पर है। नेक्स्ट अनिरुद्ध लोहिया, अनिरुद्ध लोहिया है सिंधिया स्कूल ग्वालियर से। नेक्स्ट है अरहम जैन, और हम भोपाल के संस्कार वैली स्कूल से हैं। नेक्स्ट है अभियान पुराने, अभियान है बिलाबॉम स्कूल भोपाल से। नेक्स्ट है आयुष बघेला, आयुष है जवाहर नवोदय विद्यालय हरदा से। नेक्स्ट है देवराज बलेजा, देवराज हैं एसपीएस गांधीनगर भोपाल से। नेक्स्ट है गर्विन अग्रवाल, गर्विन हैं सिंधिया स्कूल फोर्ट ग्वालियर से। नेक्स्ट है हार्दिक तुरकर, हार्दिक तुरकर हैं सेंट मेरी स्कूल बालाघाट से। नेक्स्ट है जतन हिरानी, नेक्स्ट है कनिष्क मनु, जतन हिरानी है एलपीएस मंदसौर से। कनिष्क मनु है ये भी है एलपीएस मंदसौर स्कूल से। नेक्स्ट है नित्या सिंह, नित्या है सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर से। नेक्स्ट है प्रभात जयसवाल, प्रभात है सिंधिया ये सैनिक स्कूल रीवा से। प्रतीक राघव,
प्रतीक राघव जी हैं एलबीएस मंदसौर से। उसके बाद में प्रिंस अश्वरे, प्रिंस हैं ग्रेफाइट स्कूल मंडी दीप से। प्रिंस के बाद है प्रशांत गोयल, प्रशांत है सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर से। फिर है प्रियेश तिवारी, तालियों में बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए, एक नंबर बच्चों ने बहुत मेहनत की है पिछले 3 महीनों में और कल रात थी। प्रियेश तिवारी में जेएनबी सिरमौर से। राजा चौरसिया, राजा ने जवाहर नवोदय विद्यालय हरदा से। राजवीर गौर, राजवीर है सेंट जोसेफ कोएड स्कूल भोपाल से। इसके बाद है राजवीर राठौर, राजवीर कौन है सेंट जोसेफ कोएड स्कूल भोपाल, राजवीर राठौर है जेएनबी स्कूल सीनौर से। के बाद है रनक चौरसिया, रनक है सेंट जोसेफ कोएड स्कूल भोपाल। सार्थक यादव, सार्थक के बाद है सौंदर्य कोठारी, सार्थक यादव है जवाहर नवोदय विद्यालय अशोकनगर से। सौंदर्य कोठारी है एलबीए स्कूल मंदसौर से। फिर है तेजस सरोटे, तेजस है जवाहर नवोदय विद्यालय वाराणसी से। प्रदेश की अलग अलग जगह से बच्चे आए हैं जीत जीत कर। फिर है वेदिका मौर्य, वेदिका है एमबीएम स्कूल त्रिलंगा भोपाल से। है विवान पोतार, यशपाल, विवान आए हैं सिंधिया स्कूल ग्वालियर से। और यशपाल है एबीपीएस स्कूल से जो है फोर डिस्ट्रिक्ट। और इसके बाद मेरे पास लिस्ट है मेरिट होल्डर्स की जो अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज के लिए सिलेक्ट हुए हैं, तो मैं रिवर्स ऑर्डर में शुरू करूंगा। 15 स्टूडेंट्स हैं और 15th पोजीशन आई है सम्यक कोठारी की।
सम्यक है एलपीएस मंदसौर स्कूल से और इनका सिलेक्शन हुआ है डोगला ऑब्जर्वेटरी के लिए। चिट्ठी और मिल रही है जिसमें उनका लिखा हुआ है कि वो किस ऑब्जर्वेटरी जा रहे हैं। इसके बाद 14 पोजीशन पे हैं अथर सोनी, अथर सोनी है जवाहर नवोदय विद्यालय वाराणसी से और इनका भी सिलेक्शन हुआ है डोंगला ऑब्जर्वेटरी के लिए। पोजीशन पर है आर्यन सिंह, आर्यन सिंह डीपीए स्कूल कोलार भोपाल से हैं और इनका भी सिलेक्शन हुआ है डोंगला ऑब्जर्वेटरी के लिए। ट्वेल्थ पोजीशन पर है वेद मेश्राम, वेद है ओरिएंटल स्कूल भोपाल से और इनका सिलेक्शन हुआ है सोलर ऑब्जर्वेटरी कोडाईकनाल जाने के लिए। इलेवेंथ पोजीशन पर है अनंत अग्रवाल, अनंत सेंट मेरी स्कूल बालाघाट से हैं और इनका भी सिलेक्शन हुआ है सोलर ऑब्जर्वेटरी कोडाईकनाल जाने के लिए। टेंथ पोजीशन पर है तन्मय भूत, तन्मय है कैंपियन स्कूल भोपाल से और तन्मय का सिलेक्शन हुआ है वेनु बापू ऑब्जर्वेटरी काबलू जाने के लिए। नाइन्थ पोजीशन पर हैं आप आदिदेव गोयल, आदिदेव गोयल हैं सिंधिया स्कूल ग्वालियर से और आदिदेव का सिलेक्शन हुआ है उदयपुर और माउंट आबू की ऑब्जर्वेटरी के लिए। एक पोजीशन पर है सर्वज्ञ कौशिक, सर्वज्ञ का सर्वज्ञ है एसपीएस स्कूल गांधीनगर से और इनका भी सिलेक्शन हुआ है उदयपुर और माउंट आबू ऑब्जर्वेटरी के लिए। सेवेंथ पोजीशन पर है देवांश त्यागी, देवांश ईबीपीएस फोर्थ स्कूल से हैं और इनका सिलेक्शन हुआ है वेनु बापू ऑब्जर्वेटरी काबलू जाने के लिए। सिक्स्थ रैंक पाई है मोहम्मद अकरम ने, अकरम है जवाहरलाल नेहरू स्कूल भोपाल से और इनका सिलेक्शन हुआ है उदयपुर और माउंट आबू ऑब्जर्वेटरी के लिए। तो ये जो टॉप सेवन है ये फ्लीट्स का एक पार्ट रहते हैं और फ्लीट्स में आपने दो नाम पहले सुन चुके हैं देवांश त्यागी मोहम्मद अकरम और इसके बाद फिफ्थ पोजीशन पर है अनिमेश वर्मा, अनिमेश है एलबीएस मंदसौर स्कूल से और इनका सिलेक्शन हुआ है सोलर ऑब्जर्वेटरी कोडाईकनाल जाने के लिए। फोर्थ पोजीशन पर है गर्वित राठौर,
गर्वित हैं कार्मल कॉन्वेंट स्कूल नीमच से और इनका सिलेक्शन हुआ है वेणु बापू ऑब्जर्वेटरी तावलूर डाली गई। टॉप थ्री की बात क्या गई है, रैंक थ्री इस बार पाई है भास्कर राउत ने। भास्कर है जवाहर नवोदय विद्यालय वाराणसी से और जब भास्कर जाएंगे एरीज ऑब्जर्वेटरी नैनीताल। रैंक टू पर है इस बार आरुष मित्तल। आरुष है चैंपियन स्कूल भोपाल से और आरुष का भी सिलेक्शन हुआ है नैनीताल स्थित एरीज ऑब्जर्वेटरी के लिए। और रैंक वन अभी तक आप लोग गेस कर चुके होंगे, जी हाँ रैंक वन है मेघ तातिया। मेघ का भी सिलेक्शन हुआ है नैनीताल स्थित एरीज ऑब्जर्वेटरी के लिए। और मेघ की खास बात है मेघ होम स्कूल है और ये किसी एक स्कूल से संबंधित नहीं है। सभी लोगों का मिल गए हैं, सभी बच्चों को जो होस्ट कर रहे थे वो हैं हमारे बीच मौजूद अजय। मैं अजय को भी अनुरोध करूंगा वो भी स्टेज पर आए। ये सभी बच्चों को जो भोपाल में होस्ट कर रहे थे वो ये बालक हैं और अजय के लिए हमारे पास एक स्पेशल गिफ्ट है। जितनी कैंप होते थे आई एम श्योर पेरेंट्स भी बच्चों ने भी जितना कोऑर्डिनेशन अजय से किया है उतना शायद संजय सर ने भी नहीं किया। कार्यक्रम के ऑलमोस्ट अंतिम कड़ी के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम के गणमान्य स्तंभ प्रोफेसर गोवर्धन दास जी को ये आए और हम सभी को अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। प्रोफेसर गोवर्धन दास। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड रिस्पेक्टेड फॉर द डायस respected Sakat Singh ji and respected Sri Harshit Duggal ji, Madhav Kalajar ji and the my dear students, parents and the dignitaries. I feel privileged to be here today on the occasion of prize distribution organized by Aryabhatta Foundation, and it is indeed a proud moment. There are so many bright students, the intellectuals, the future budding scientists. In fact, if you look at India today, is once again rising. We call the Aryabhatta thing, Aryabhatta, the foundation. The stage been set up by Aryabhatta, the Chandragupta cabinet, the nine stars, and India used to lead the world. And we indeed
have all the time, we are the world leaders. However, in between there are some dark spots by invasions. 1400 years gone by Mughals and the 200 years by British. But we have been killed but not been, could not destroy, eliminate. We are rising again, and today India is the fourth largest economy. And if you see our personals, our intellects are throughout the world, and now we are rising again. And we will be the leader again. And for that, we have to find out, we have to identify the intellects. We are not really celebrating the academic excellence, but we are indeed celebrating the pursuit of knowledge. And we have that intellect, we have to find out, the pick it up. And many of the organizations are doing so. Aryabhatta, the foundation, is another one, which is the identifying the intellect every year. And these are the budding scientists, they are the leaders for the futures. I once again congratulate the winners, not only the winners, those who participated in that, they feel they have the capacity. Indeed, they have the capacity, but it's a very tough competition. It's not only the competition, it is the how you pursue. Today you did not win doesn't mean you cannot be winner today. Tomorrow, definitely, the winners I congratulate. I congratulate you all, and of course the spirit of this Aryabhatta Foundation, they will keep on identifying that kind of intellects, the budding scientists, and they are the future of this India. So here is the stage set, and you are the one, are the future of India. And thank you for calling. Thank you, Professor Das. और इसी के साथ हम कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं. मैं हमारे बीच में मौजूद हैं मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से साइंटिस्ट डॉक्टर भूपेश सक्सेना. उनको अनुरोध करूँगा कि वे स्टेज बनाए और हमारे गेस्ट को हमारे आर्यभट्ट की तरफ से कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स हैं वो दें. डॉक्टर सक्सेना जो बच्चों के लिए विकट दिन एज जज के तौर पर भी थे, तो उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स के प्रेजेंटेशन भी सुने. जिनके प्रोत्साहन की वजह से ही इतने सारे बच्चे इस स्टेज तक आ पाए हैं.
मुझे जानकारी मिली है कि नॉर्थ ईस्ट तक से कुछ पेरेंट्स आए अपने बच्चों के लिए, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए भी कार्यक्रम है। और धन्यवाद देना चाहूँगा टीचर्स का, पेरेंट्स के साथ टीचर्स हैं जो एक बच्चे की जीवन को ढालते हैं। तो टीचर्स भी आए हैं दूर दूर से, जवान महोदय से टीचर्स आए, मेरे ख्याल से सिंधिया स्कूल से टीचर्स आए, उन सबको भी स्पेशल धन्यवाद। आखिरी धन्यवाद बच्चों का, क्योंकि ये पूरी जो जर्नी थी उनके लिए काफ़ी थका देने वाली थी। पिछले एक दिन में उन्होंने सोलर से लेके स्टेलर यानी कि आकाश दर्शन को लेके टेलीस्कोप वाइवा न जाने कितनी और प्रेजेंटेशन 5-6 अलग अलग चरणों में एक ड्यूलिंग जो एग्जाम होता है उसमें पार्टिसिपेट किया। और यहाँ आने के लिए भी उन्होंने काफ़ी मेहनत की, 8,000 से भी ज़्यादा बच्चों से कम्पीट करके यहाँ आए, और सबसे ज़्यादा तालियों के पात्र जो है वो है बच्चे बच्चे। इसी के साथ तो इसी के साथ कार्यक्रम की औपचारिकता पूरी होती है। मैं अनुरोध करूंगा जितने भी विनर्स पार्टिसिपेंट्स हैं सभी स्टेज पर आ जाएं, और एक जितने भी हमारे गेस्ट हैं उनके साथ एक पिक्चर सेशन हो जाएगा। विनर्स टॉप 15 रैंक और बाकी भी सभी विनर्स हैं, हाँ आ जाइए, सभी आ जाइए स्टेज पर। हाँ।